Hello dear student, in our previous lecture we had discussed something about acceleration and velocity. Before we start our today's session, I have to mention the basic fundamental things, that is differentiation and integration for this particular chapter, because agar hame ye cheez nahi aayegi to bahut sare sums karna hamare liye difficult ho jayega. So I am going to discuss something with you, that is about differentiation first, then hum baat karenge integration ke bare mein. Now first of all let us discuss what is differentiation. So differentiation ka simple meaning hota hai kisi bhi badi cheez ko divide karke chote chote hisson mein division karna, theek hai. जैसे कि अगर लड्डू है तो लड्डू हम पूरा एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं एंड देन आफ्टर छोटे छोटे पीसेस हम उसको खा सकते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है एक बड़ी सी चीज को डिवाइड करके छोटे सी चीजों में कन्वर्ट करना, ठीक है. डिफरेंशिएशन इज ओनली पॉसिबल फॉर वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है. अभी आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज वेरिएबल क्वांटिटी. सो वेरिएबल क्वांटिटी इज दैट माय फ्रेंड के जिसको हम अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है. वेरिएबल क्वांटिटीज का मीनिंग होता है जिस क्वांटिटीज की अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी. ओके, सपोज एक्स इज द वेरिएबल क्वांटिटी फॉर विच वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट. ओके, देन इट इज डिनोटेड बाय डी बाय डी एक्स, ठीक है. मतलब कि डिफरेंशिएशन है, कैसे पता चलेगा. सो डी बाय डी एक्स है तो ये डिफरेंशिएशन हो गया फॉर द क्वांटिटी एक्स, ठीक है. अगर आपके पास क्वांटिटी वाई है तो डी बाय डी वाई फॉर द वाई, डी बाय डी जेड फॉर द जेड एंड डी बाय डी टी फॉर द टी. तो इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स के लिए डिफरेंशिएशन किया जा सकता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो इफ आई एम, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स सी. सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है. डी बाई डी एक्स सी यू, सी इज अ कॉन्स्टेंट एंड यू इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. सो डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे तो एक चीज याद रखना, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो बाहर चली जाएगी, सिर्फ वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन हो सकता है. सो दैट इज सी डी यू बाई डी एक्स. ओके, डी बाई डी एक्स यू प्लस और माइनस वी प्लस और माइनस डब्ल्यू, इस तरह से टर्म दिया है. तो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स होगा प्लस और माइनस, यानी कि अगर आपके पास प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, ठीक है. फिर डीवी बाई डी एक्स प्लस और माइनस, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरह से तीनों का हम बारी बारी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है और दोनों की दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है तो उस टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम. सो उस टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए आपकी जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको एज इट इज रखो, सेकंड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड क्वांटिटी एज इट इज रखो, फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो. तो इस तरह से होता है, ठीक है. उसी तरह से दो क्वांटिटीज है वेरिएबल और उनका डिफरेंस डिवीजन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. सो जो नीचे की क्वांटिटी है वो एज इट इज रखो, ऊपर की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर की क्वांटिटी एज इट इज रखो, नीचे की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, अपॉन नीचे की जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर यानी वी स्क्वायर, ठीक है. अगर मेरे पास एक्स रेस टू एन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, यानी एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है. चले अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, देखो यहां पर ये कुछ चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं. सो सबसे पहले साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर मिलेगा कॉस एक्स. उसी तरह से
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो आंसर मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स एल एन एक्स है तो उसका आंसर होगा वन अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स रूट एक्स है तो उसका आंसर होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स है तो उसका आंसर ई रेस टू एक्स ही रहेगा। और डी बाई डी एक्स ई रेस टू ए एक्स है तो ए आगे चला जाएगा ई रेस टू एक्स। इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन होता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस सेवन है। तो पहले तो मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा? dy by dx, ठीक है। यहां पर d by dx पूरा एक ब्रैकेट कर दो। अच्छा, अगर बीच में प्लस है तो फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन प्लस थर्ड क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। x रेस टू फाइव है तो यहाँ पर x रेस टू n वाला रूल लगेगा, यानी कि पावर नीचे x पावर में एक माइनस यानी फाइव माइनस वन। यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, पावर नीचे x पावर में माइनस वन। सेवन, सेवन इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो फाइव एक्स रेस टू फाइव माइनस वन यानी फोर प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस वन यानी फोर एक्स रेस टू थ्री, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्वेश्चन दिया गया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री एक्स रेस टू माइनस टू, ठीक है। मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स होल टर्म, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस है इसलिए माइनस आगे रखा, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है यानी एक्स रेस टू एन के हिसाब से आपका डिफरेंशिएशन होगा, यानी पावर आगे एक्स रेस टू पावर माइनस वन यानी टू माइनस वन, ठीक है। डी बाई डी एक्स फोर एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू में फोर जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आउटसाइड d बाई डी एक्स एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। थ्री कॉन्स्टेंट होने की वजह से आउटसाइड d बाई डी एक्स एक्स रेस टू माइनस टू। चलिए तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 2x, 4 एज इट इज एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, यानी पावर नीचे की तरफ आ जाएगा और पावर माइनस वन, ठीक है। यहां पर भी पावर नीचे आ जाएगा और पावर में एक माइनस कर दोगे आप। सो ये 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है 4 बाई टू एक्स रेस टू। अगर आप एलसीएम लोगे तो माइनस वन माइनस टू बाई टू यानी माइनस थ्री बाई टू रहेगा, ठीक है। ये माइनस थ्री ये माइनस टू मल्टीप्लाई हो गए प्लस सिक्स एक्स रेस टू माइनस थ्री, तो आपका आंसर होगा 2x, यहां पर 4 बाई टू यानी 2x रेस टू माइनस थ्री बाई टू 6x रेस टू माइनस थ्री, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद से देने वाला हूं, डू योर सेल्फ। जैसे मैंने सिखाया सारी चीजें वैसे ही करनी है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू फाइव एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स एक्स रेस टू थ्री बाई टू प्लस नाइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू फाइव प्लस एक्स रेस टू थ्री प्लस फोर एक्स रेस टू वन बाई टू प्लस सेवन। और थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू थ्री एक्स रेस टू फाइव माइनस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है आप मुझे उसके आंसर लाके दोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। द अदर टॉपिक इज इंटीग्रेशन। ओके, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके एक बड़ा सा चीज बनाना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज करो अगर हम छोटे छोटे
पेस्ट्रीज को इकट्ठा करते हैं तो उसको सर्कुलर शेप में रखने की वजह से एक केक जैसा बन सकता है। सो छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके अगर हम एक बड़ी चीज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर द वेरिएबल क्वांटिटीज। ये चीज हमने डिफरेंशिएशन में भी आपको बताई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे कॉमन चीज क्या है? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज का ही हो सकता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन बताना है तो उसको डी बाई डी एक्स से बता सकते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन बताना है तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके dx लिखोगे तो ये होगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी तरह से ये फॉर वेरिएबल क्वांटिटी x है। अगर वेरिएबल क्वांटिटी y है तो उसके लिए इंटीग्रेशन dy। ये इंटीग्रेशन टर्म है और ये कौन सी क्वांटिटी के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो है। ठीक है, इंटीग्रेशन dz फॉर z, उसी तरह से इंटीग्रेशन dt फॉर t। चले, फंक्शन और उसके इंटीग्रल्स। फंक्शन मतलब हमारे जो कुछ चीज है और इंटीग्रल मतलब उनके आंसर कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सी डी एक्स, वेयर सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम डिफ्रेंसिएशन करते थे तब कॉन्स्टेंट चीज का आंसर जीरो होता था, पर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट है तो उसका आंसर हो जाएगा सी एक्स। ओके, एक्स रेस टू एन है तो एक्स रेस टू एन का आंसर हो जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, वन अपॉन एक्स का आंसर हो जाएगा एल एन एक्स, ई रेस टू एक्स का आंसर हो जाएगा ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का आंसर हो जाएगा ए रेस टू एक्स अपॉन एल एन ए। अच्छा ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, सी एफ एक्स, एक्चुअली ये सी है इंटू एफ एक्स डी एक्स है, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये हमने डिफ्रेंशिएशन में भी सीखा था कि कॉन्स्टेंट टर्म का कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता था, इसलिए उसको बाहर लेके सिर्फ वेरिएबल का ही हम डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो यहां पर भी हम कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे और सिर्फ वेरिएबल टर्म का ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। चले, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट एफ प्लस जी डी एक्स है, मतलब दो क्वांटिटीज है, दो वेरिएबल्स है, उनके बीच में प्लस है, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करो प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन एफ माइनस जी यानी बीच में माइनस है तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करो माइनस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, साइन एक्स का आंसर होता है माइनस कॉस एक्स और cos x का आंसर होता है sin x, ये जरा ध्यान रखिएगा। चलिए, लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू x रेस टू 11 बाई 2। चले, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन y dx, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए dx होगा। चले, इंटीग्रेशन x रेस टू 11 बाई 2 dx। ठीक है, अभी पावर है तो यहाँ पर पावर वाला लगेगा यानी कि x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो 11 बाई टू प्लस वन अपॉन 11 बाई टू प्लस वन यानी कि आपके पास हो जाएगा वो x रेस टू 13 बाई टू अपॉन 13 बाई टू। पर ये जो बाई टू है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 2 x रेस टू 13 बाई टू अपॉन 13। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सा रूल लगेगा यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर है यानी यहाँ पर पावर वाला रूल लगेगा। सो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, पर ये जो साइन है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेस टू थ्री अपॉन थ्री माइनस साइन एक्स प्लस एल एन एक्स, तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूं। ठीक है, जैसे अपने ने डिफरेंशिएशन में दिए थे वैसे मैं आपको इंटीग्रेशन में भी दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट x प्लस वन अपॉन एक्स डीएक्स। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स डीएक्स, वेर ए एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो इसका मुझे आंसर लेके आप बताओगे।